हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। दोस्तों, आखिर क्यों बिग बॉस सीजन 16 में सलमान खान ने दिया प्रियंका चहर चौधरी को ट्रॉफी के साथ एक उससे भी बड़ा तोहफा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, जिसको पाकर झूम उठी प्रियंका। क्या है ये तोहफा और क्या क्या है इस न्यूज़ में, आइए जानते हैं टीवी का पटाका के इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बिग बॉस के फिनाले में सलमान ने प्रियंका को दी न सिर्फ ट्रॉफी बट साथ में दिया सबसे बड़ा तोहफा, जो कि ट्रॉफी से भी ज़्यादा बड़ा था। वेल, ये तो हम सबको पता है कि प्रियंका चहर चौधरी को सलमान खान कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने प्रियंका को खुद कहा था कि प्रियंका को सलमान कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही सलमान ने ये भी कहा था प्रियंका को कि शो के बाद तुम मुझसे ज़रूर मिलना। और ऐसे में सलमान खान ने प्रियंका को फिनाले में ट्रॉफी के साथ दे दिया है फिल्म का एक बड़ा ऑफर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सलमान खान ने प्रियंका चहर चौधरी को दिया है एक फिल्म एस्केप बैनर्स के तहत। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सलमान अपने प्रोडक्शन हाउस में प्रियंका को करना चाहते हैं लॉन्च बॉलीवुड में। इसीलिए सलमान खान ने दिया है प्रियंका को अपनी एक मूवी का ऑफर, और ये ऑफर कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो ऑफ़र है वो प्रियंका को लीड रोल के लिए मिला है, किसी साइड रोल के लिए नहीं। मतलब मूवी में प्रियंका का होगा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले। तो अब आप सोचिए, क्या ऐसे में सलमान खान प्रियंका चहर चौधरी के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते हुए नजर आएंगे? क्या सलमान और प्रियंका एक साथ काम करेंगे एक ही फिल्म पर? दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि सलमान खान प्रियंका के साथ एक और अपने बहुत करीबी बहुत चहेते पर्सनालिटी को लॉन्च करना चाहते हैं, तो सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।